वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे वो है कि गिटार के साथ सिंगिंग कैसे शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गिटार के साथ जब मैं गाता हूँ या गाती हूँ तो आवाज मैच नहीं कर रही होती बिल्कुल भी। तो मैं कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको, ठीक है। हालांकि मैं भी कोई वोकल ट्रेनर नहीं हूँ, मैंने भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन मैं फिर भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तो इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ एक्सरसाइजेस हैं मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। तो मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ, ठीक है। मैं कोई वोकल ट्रेनर नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गिटार के साथ गाना कैसे शुरू करें, या फिर जो गिटार है और जो मेरी वॉइस है वो मैच नहीं कर रही आपस में तो क्या करें। तो मैं कुछ आपको टिप्स जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि जो आपके कान है, ईयर्स हैं, ये आपको ट्रेन करने बहुत जरूरी है। ट्रेन करने का मतलब है कि मतलब आप जैसे कि कोई भी नया सॉन्ग आता है फॉर एग्जांपल, तो आपको जैसे कॉर्ड्स ढूंढने या टैप्स ढूंढने, तो आपको कैसे पता चलता है कि इसका की नोट कैसे है, ठीक है। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि हमने फॉर्मूला लगाया और उससे पता चल गया कि इस गाने का की क्या है, ठीक है। की जी मेजर है, ई मेजर है, ए माइनर, जो भी हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है आपको अपने कानों को ट्रेन करना है, ठीक है। कानों को ट्रेन करने से मतलब है फॉर एग्जाम्पल आप जी मेजर कॉर्ड है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि सी मेजर है, तो इससे आप एक एक स्ट्रोक ऐसे मारते हैं और अपना जो वॉइस है आपको ऐसे मैच करना है। तो आपको ये सबसे जरूरी है कि कोई भी कॉर्ड दे सकते हैं, उसके साथ आप पहले अपनी वॉइस मैच कर पाए। जैसे रियाज होता है ना, रियाज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप हारमोनियम है या फिर तानपुरा है, तो उस पे सा सी मेजर या सा उसको प्ले कर देते हैं और उसी के साथ सा, ये करते हैं ना। सबसे पहले सा की ट्रेनिंग की जाती है, सा की रियाज किया जाता है, ठीक है, उसके बाद सरगम शुरू होती है, ठीक है। तो ये आप किसी भी स्केल पे कर सकते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है। अगर ये आप कर लेते हैं, आप ट्रेन कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है, तो ये बहुत ही कम होगा कि आप से ये होगी दोनों की आवाज उसमें मैच नहीं हो रही है, जैसे कि गिटार आप प्ले कर रहे हैं, तो पहले करके क्या, आपने कई बार सिंगर्स को भी देखा होगा वो गाने से पहले जैसे सिंथेसाइजर होता है उस पर वो जो स्केल होती है सॉन्ग की स्केल वो प्ले करता है, फिर वो करके मैच करता है, फिर उसके बाद गाना शुरू करता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कानों को ट्रेन करना। और जो मैंने ये एक्सरसाइज बताई आप इसको करते रहिए, हर एक कॉर्ड पे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको धीरे धीरे ट्रेन, आप खुद धीरे धीरे ट्रेन हो जाएंगे। और क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है तो मैं कोई आपको स्पेसिफिक ट्रिक्स भी नहीं बता सकता इसके लिए, तो ये जो थोड़ी सी टिप्स हैं ये आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप गाना जो भी अलग अलग तरीके के आप गाने ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग स्केल्स के, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपने कानों को ट्रेन करना है, ठीक है, चाहे वो गिटार ट्यूनिंग को लेके हो फिर चाहे गानों को लेकर हो, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आप इसे लाइक करना मत भूलिए और इसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, मुझे सर्च भी कर सकते हैं बैंकरप्ट गिटारिस्ट के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। बाय बाय।